Hello dear students, today we are going to start new topic matrices. ठीक है, ये first time हमें मिलेगा ये topic. पहले समझना है जो matrix किसे बोलते हैं, right? Matrix, a matrix is an ordered rectangular array of numbers or function. इसका मतलब क्या होता है पहले समझो, right? इसका मतलब ये होता है जो कुछ रो होगा और कुछ कॉलम होगा, अगर हम इसको अरेंज किया, ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कभी कभी हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट भी यूज करते हैं. एनसीईआरटी बुक में ज्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है. कुछ रो और कुछ कॉलम को अगर हम अरेंज करते हैं, नंबर्स को या फिर फंक्शंस, यहाँ पे नंबर भी हो सकता है या फिर कोई फंक्शन भी हो सकता है. फंक्शन मतलब जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, इस टाइप का फंक्शन भी हो सकता है. अगर हम इसको अरेंज करते हैं, इस फिगर को बोला जाता है मैट्रिक्स. इस टाइप का फिगर को बोलेंगे मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पे कितना रो है, 1, 2, 3, 4 अप टू m. तो m रोज हो गया और कॉलम्स हो गया 1, 2, 3, 4 अप टू n. m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अगर पूछा जाए बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना है, तो यहाँ पे काउंट करोगे रो कितना है 1, 2, 3, 4 अप टू m, और कॉलम कितना है n 1, 2, 3, 4 अप टू n. तो m क्रॉस n उसका ऑर्डर हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे काउंट करो रो कितना है, 1, 2 रो है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 1, 2, 3. तो अगर हम इसको इसका ऑर्डर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 रोज है तो 2 क्रॉस कॉलम है 3, तो लिखेंगे 3, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट वाइज आई विल गिव क्वेश्चंस, एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन हम देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 रीड केयरफुली, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 आज एक्सप्लेन करेंगे, और 2 और 3 ये दो क्वेश्चन हम देंगे एज असाइनमेंट, यू विल सॉल्व. दिस इज इजीएस्ट टॉपिक और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और इससे मार्क्स भी गेन होता है बहुत आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दे रखा है, देखो ठीक से, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है. आंसर 1, एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट क्या क्या है, देखो 2 है, 5, 19 और -7. ये फर्स्ट रो हो गया. सेकेंड रो में है 35, -2, 5/2, 12, राइट? फिर √3, 1, -5 और है 17. ये है मैट्रिक्स. और एक एक करके क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ इसका ऑर्डर कितना है, काउंट करो रो कितना है, 1, 2, 3. तो रो नंबर हो गया 3, क्रॉस कॉलम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4. तो कॉलम हो गया 4. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4. सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है. वैसे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3, 4 जाए 12, और वैसे भी यहाँ पे काउंट करोगे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 12. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में पूछा गया है एक एक करके एलिमेंट बताओ, जैसे कि A13 का मतलब क्या होता है. फर्स्ट नंबर होता है रो नंबर, सेकेंड नंबर होता है कॉलम नंबर, मतलब फर्स्ट रो का
थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है? क्या है? ए फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया 19, तो ए 13 हो गया 19, ए 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन है? 35, राइट। फिर पूछा गया ए 33, ए 33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है? -5, राइट। और ए 24, ए 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन है? 12, राइट। एंड ए 23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या है? 5/2, राइट। ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू एवरीवन।